अनूपपुर थाना अंतर्गत 21 वर्षीय युवती के भाई ने थाने पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन को किसी ने अगवा कर लिया है। वहीं अब 5 लाख की फिरौती की मांग की जा रही है, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 364A का मामला दर्ज करते हुए 21 वर्षीय युवती की दस्तयाब हेतु एक टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर युवती को उसके दोस्त के साथ शहडोल से दस्तयाब कर लिया है। वहीं मामले की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने जब इन लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि 21 वर्षीय युवती अपने दोस्त जमुना निवासी के साथ मिलकर खुद अपहरण व अपने परिजनों से 5 लाख फिरौती मांगने की साजिश रची थी। पुलिस ने युवती सहित 2 युवकों के विरुद्ध धारा 385, 109, 114, 120B का अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की है। पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय युवती व उसका जमुना निवासी दोस्त दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इन दोनों ने मिलकर साजिश रची। वहीं जमुना निवासी का दोस्त शहडोल में पढ़ाई करता है, उसको भी शामिल किया गया। यहां पर युवती कॉलेज गई थी, वहां से लौटने के दौरान ही शहडोल चली गई। वहीं से व्हाट्सएप मैसेज युवती के बुआ के मोबाइल में किया गया, जिसमें यह दिखाया गया था कि युवती को कुर्सी में बांधा गया है। मैसेज पर यह भी लिखा गया था कि अगर पुलिस के पास कोई भी घर का सदस्य जाता है तो लड़की की हत्या कर दी जाएगी। वहीं 1-2 बार फोन में भी परिजनों से बात की गई। युवती ने ही घर पर पैसे होने की बात अपने दोस्तों को बताई थी। यह भी अपने दोस्तों से कहा था कि फिरौती की पैसे आने के उपरांत उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे। हालांकि पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए युवती को उनके परिजनों के सुपुर्द कर 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। दिनांक 29/8/22 को रात्रि में 21 वर्षीय युवती के भाई द्वारा थाना कोतवाल में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी बहन का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते ही 364A का मामला पंजीबद्ध किया गया था। तत्काल ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की टीम गठित किया और थाने के संयुक्त टीम द्वारा उसके जो इस नंबर से उसे व्हाट्सएप पर चैटिंग की जा रही थी, लोकेशन लिया गया। लोकेशन के आधार पर हमने जा करके लड़की को दस्तयाब किया। लड़की को ला करके हमने सुरक्षा रात्रि होने से वन स्टॉप सेंटर रखा और उसके साथ में जिस व्यक्ति के कब्जे से अपहर्ता मिली थी उसे भी थाने में लाकर अभिरक्षा में रखकर पूछताछ किया गया। इसी दौरान विवेचना क्रम में अगले दिन हमने मामले में अपहर्ता युवती को न्यायालय के समक्ष बयान कराया, जिसने अपने बयानों में बताया कि उसके कॉलेज के दोस्त जो कि जमुना का रहने वाला है और उसका अन्य दोस्त जो कि शहडोल में पढ़ाई करता है, तीनों ने एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान के तहत कि फिरौती की मांग घर वालों से की, जिसमें जो जमुना का लड़का था उसके द्वारा युवती को शहडोल भिजवाया गया और शहडोल में एक अन्य साथी द्वारा उसके घर में व्हाट्सएप के माध्यम से लड़की के मुंह में कपड़े बांधकर एवं रस्सी बांध करके फ़ोटो भेजे गए और 5 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। और इसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया कि लड़की की सह से एवं उसकी सहमति से पैसे की आवश्यकता होने से घर वालों से पैसे मांगी गई थी। इसमें से तीनों के विरुद्ध मामला 385, 109, 114, 120 का मामला में इजाफा किया गया है। तीनों को अभिरक्षा में लिया गया है।